दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ आए थे गेस्ट, कलकत्ता से गेस्ट आए थे, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनको यहाँ कैसा लग रहा है और खान पान और यहाँ का रहन सहन किस तरह का आपको लगता है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। मैम नमस्कार। नमस्कार। तो हाँ आप यहाँ का अनुभव हमें शेयर करें, आपको यहाँ पहाड़ कैसा लग रहा है और रहन सहन, हमारा होम स्टे कैसा है, बहुत और अच्छा। ये सभी चीज़ आप बोलेंगे। हाँ। और बोलिए आप। मेरा नाम है सुप्रिया, हम कलकत्ते से हैं और इधर आके इधर का सब कुछ होम स्टे का बहुत अच्छा लगा। सब कुछ बहुत अच्छा है और खाना पीना तो बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया खाने में। और नई चीज भी मिल गया, पहाड़ी करेला, ये हम कभी खाया भी नहीं, देखा भी नहीं, पहली बार ये हम देखा है। और इधर का माहौल बहुत अच्छा है, पहाड़ियों के नीचे ये होम स्टे है, बहुत अच्छा है। दिखाएंगे आपके वहां नहीं होता होगा। हाँ, हमारा उधर ये होता नहीं है पहाड़ी करेला, तो लेकिन इससे खाने में मीठा है, खाने मीठा होता है ये, में कड़वा नहीं होता। मीठे हैं, बहुत ही कड़वा जैसा नहीं लगता है। आलू तो आलू और आलू इधर का आलू ये दिखाइए, पहाड़ी आलू भी। पहाड़ी आलू है, पहाड़ी आलू से ये बना था, हम दिखा रहे हैं आपको पहाड़ी आलू। दे दो छोटे तीजा और ना छोटी इधर चले। का ये ये है छोटा छोटा, छोटे छोटा छोटे, नहीं बड़ी आलू हाँ होता है अभी होते हमारे हैं, पास। इससे बड़े भी होते हैं जी ये, अभी इस टाइप का है, इससे सब्जी बना था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खाने में बहुत मजा आया। मेरा नाम मनोज, हम लोग कलकत्ता से आया है। तो हम लोग जाएंगे मुंशियारी, कल सवा में रुक गया। हम लोगों को तो मालूम नहीं इधर कहाँ ठहरने का, फिर ढूंढा तो मोहन सिंह से मुलाकात हुआ। तो मोहन सिंह बोला इधर ही हम लोगों का होम स्टे है, तो होम स्टे में रुका। और इन लोगों का बिहेवियर घर जैसे ही है, मतलब लगता है कि मेरा आदमी है, बहुत दिन से जान पहचान, लेकिन तो है नहीं, कल ही आया था, आज हम लोग निकल जाएंगे। और रहने का रूम ये पूरा मतलब लकड़ी से बना हुआ, इसीलिए ठंडी जितना ही हो ना घर में आराम ठीक ठाक है जैसा होना चाहिए। और वॉशरूम तो वेस्टर्न है पूरा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, गीजर वीजर सब कुछ है, और रेट रिजनेबल है। और सबसे बड़ा है इन लोगों का बिहेवियर, रात को खाना इनका बड़ा लड़की और लड़का साथ किया था, ब्यूटीफुल खाना भी बहुत डिलीशियस था, मतलब डिलीशियस मीन्स आई मीन सिंपल, रो चपाती अरहर की दाल, लेकिन अरहर की दाल तो घर में बहुत खाया। दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन एक्चुअली आई एम टेकिंग फर्स्ट टाइम, इसका पहले ऐसा दाल घर में हम लोग बनाया नहीं, मतलब बना नहीं सका। और एक पहाड़ी करेला, पहाड़ी आलू का सब्जी था, वो भी ब्यूटीफुल था। और सब कुछ इन बिहेवियर और हॉस्पिटलिटी अच्छा है। थैंक यू। हीरामणि यहाँ ग्लेशियर ग्लेशियर है, का नाम है, ग्लेशियर ग्लेशियर है ऊपर, मतलब खुला हीरामणि है, नामी ग्लेशियर है। खुला है, पैक है। तो दोस्तों आज हमारे साथ यहाँ से कलकत्ता से हमारे होम स्टे में, हीरामणि होम स्टे में हमारे दो गेस्ट पहुँचे थे। गेस्ट तो लगातार आते हैं, तो इनके लिए हमने खान पान में हमारे पहाड़ी जो सब्जी होती है और यहाँ का खाना जो हम बनाते हैं दाल, वो खिलाया। और रहने की व्यवस्था के लिए हमारे एक लकड़ी के कमरे बने हुए हैं, अंदर से लकड़ी है बाहर से वो है, और बाथरूम में अटैच हमारा बाथरूम है, और इस तरह की व्यवस्थाएं हम देते हैं। तो ये खुश हैं और कहते हैं कि आपका, लोग तो आते हैं कहते तो अच्छा ही है, लेकिन
इनको कितना अच्छा लगा होगा, वो आगे गेस्ट आएंगे तो पता चलता है। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे होम स्टे में आने के लिए। तो मैं आगे को आपको दिखाते रहूँगा, अपना होम स्टे का पूरा वो दिखाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बनाए। तो हमारे बीच में आए थे कलकत्ता से गेस्ट, तो इनके लिए हमें नाश्ता में आलू के परोठे और थोड़ा सा आलू और उसमें मेथी का छौंक डाल करके इनको सब्जी दी है। हाँ सर, ले रहे हैं, जैसा भी हो रहा होगा। नहीं अच्छा है। अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक लग रहा है। हाँ चलो बढ़िया, फिर कभी आइए शामा में।